हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बनाएंगे अंडे की भुर्जी एक न्यू स्टाइल में, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो आप इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के प्याज, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और हरा धनिया फ्रेश और चिली। इन सबको हम लोग चॉप कर लेंगे बारीक सा। यहाँ पर सबसे पहले पैन लेंगे, उसके अंदर चॉप किए हुए अनियन ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। ज़ीरा भी साथ में डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के हमें फ्राई करना है। चॉप किए हुए टोमेटोज ऐड करेंगे और साथ में ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप इसमें चिली की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हो। अभी हम लोग इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो है वो गल जाए, और सूखे पाउडर मसाले जो है, जैसे कि रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ में ग्रीन चिली पेस्ट, ये भी हम लोग ऐड करेंगे और इन सब मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। यहाँ पर 3 अंडों की भुर्जी बना रही हूँ मैं। अंडों को चॉप कर लिया है और अब लास्ट में जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए तो हमें इसके अंदर अंडा और फ्रेश धनिया जो हमने चॉप किया है उसे ऐड कर देना है। ध्यान रहे कि अंडे डालने के बाद आपको इसे ज़्यादा स्टर यानी चलाना नहीं है ताकि इसका ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो बस अंडे डालते ही आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। तो ये रेसिपी पाव के साथ और चपाती के साथ और चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस न्यू स्टाइल में भुर्जी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो, और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।